हेलो बेटा, नहीं बेटा, नहीं, ये सब झूठ है। हेलो 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 सर, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है। अरे मुरली, ये आगे थोड़ा रोकना ज़रा। आई नीड अ स्मोक। जी सर। मैं हार गया मुरली। सर, मैं हार गया। इतने साल जो कुछ भी मैंने किया, बनाया, मैं सब हार गया मुरली। अचानक मैंने सब खोसा दिया है। ये बिजनेस, ये कंपनी, यही मेरा सब कुछ था। अपना सब कुछ दिया इसको, यहाँ के लोगों को। ये कंपनी मेरा पैशन थी मुरली, मेरा पैशन। घर बार भुला के काम किया और असलियत में मैं घर भूल ही गया था। अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा, अपनी बीवी से बात किए अरसा हो गया, ये भी याद नहीं कि हम सब ने साथ मिलकर आखिरी बार खाना कब खाया था। पता नहीं बच्चों को मेरी शक्ल याद है भी कि नहीं, या वो याद रखना भी चाहते हैं कि नहीं। किसके लिए किया ये सब, किसके लिए? आज मेरी कंपनी मुझे झूठा बोल रही है, मेरे अपने लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं मुरली, मुझ पे। हर अखबार और न्यूज पे आज मैं ही हूं। चोर बुला रहे हैं मुझे। क्या कमी रह गई थी यार, क्यों? आज बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मुरली, एकदम अकेला। मैं भी क्या बातें कर रहा हूं। बच्चे हैं तुम्हारे? सर, एक लड़का और एक लड़की है। लड़का कॉलेज ज्वाइन करेगा, लड़की ग्रेजुएशन खत्म करेगी सर इस महीने। अरे वाह, और घर कहाँ है तुम्हारा? सर, वो जो टाउन जाते वक्त पुल है ना सर, उसी के पास। वहीं पैदा हुए, बड़े हुए, सब उसी गांव में सर। इसका मतलब हम दोनों एक ही जगह से हैं? मुझे पता नहीं था। हमने पहले कभी ऐसे बात नहीं की है ना। मैं शायद अपना सबसे ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ ही बिताता हूँ,
और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। मेरे अपने लोगों के इतना नज़दीक होते हुए भी मैं उन्हें कभी समझ नहीं पाया। शायद यही कारण है कि मेरे अपनों का मुझ पर से विश्वास उठ गया और आज मैं यहाँ हूँ एकदम अकेला। सर आप जानते हैं मेरे घर के पास जो पुल है ना सर, वो मुझसे भी पुराना है। मेरे बाबा का बचपन बहुत गरीबी में गुजरा था। दो वक्त की रोटी के लिए भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी सर। हर साल फसल से नुकसान ही होता था। वो जो हमारा गांव है ना सर, वो चारों तरफ से एक नदी से घिरा है। अगर वहाँ से बाहर काम ढूंढने के लिए भी जाना था तो एक नाव से जाना पड़ता था, जो उस वक्त बहुत महंगी थी। इसी वजह से हर ज़रूरी चीज़ इधर कम या महंगी थी। फिर वो पुल बना। बाबा अक्सर कहा करते थे उस पुल ने हमारी ज़िंदगी बदल दी, पास के शहर से जोड़ के हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, यहाँ के लोगों को एक नई उम्मीद दी, एक नई दिशा दी उस पुल ने। बाबा उस पुल को बहुत मानते थे। मेरे लिए सर आप उस पुल की तरह हो। 25 सालों से मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, 25 सालों से। आज मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सिर्फ आपकी वजह से। इस नौकरी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने परिवार वालों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इस छोटे से गांव को आप दुनिया के नक्शे पे लाए, हज़ारों को काम मिला, एक नई उम्मीद मिली, आपकी वजह से। सर मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो आप पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ जो ऐसा महसूस करता है। मुझे नहीं पता कि ये मीडिया वाले और बड़े साहब लोग क्या बोल रहे हैं या कौन सही है और कौन गलत, मगर मुझे एक बात ज़रूर पता है सर, आप हमें कभी निराश नहीं करेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं सर, चाहे कोई और रहे ना रहे। सर सिगरेट? मैं अभी लाया सर। मुरली, थैंक्स मुरली। Sir! 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 Sir!